नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। कोरोना वायरस को लेकर आप घबराइए मत, बस इससे बचने के लिए पीएम मोदी के संदेश को गंभीरता से लें और रविवार के दिन घर से बाहर न निकलें। अगर आप कुछ दिन अपने को बचा लिए तो समझिए कि आप अपने और अपने परिवार को सुरक्षित कर लिए हैं। अब एक नजर खबरों की तरफ। आजमगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर सरकारी कार्यालय भी सतर्क हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अब किसी भी फरियादी के जाने से पहले उसकी थर्मल जांच और हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों, कर्मचारियों और शिकायत लेकर जाने वाले फरियादियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सुबह कार्यालय पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने भी अपनी थर्मल जांच कराई और हाथों को सैनिटाइज किया। उन्होंने कहा कि शनिवार से आने वाले समस्त फरियादियों को पहले गेट पर थर्मल जांच और सैनिटाइज करने के बाद ही परिसर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इससे फरियादियों को जागरूक भी किया जा रहा है। आइए सुनवाते हैं कि आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक त्रिवेदी सिंह ने क्या कहा। सर, ये अभी चेकिंग चल रही थी जो है सबका, मतलब टेम्परेचर ना पर क्या है, मतलब क्या है इसका। देखिए, हमारे यहाँ ऑफिस में आने के दो गेट हैं। हमने एक गेट एग्जिट के लिए रखा है, एक एंट्री के लिए रखा है। जो भी एंट्री पॉइंट्स पे लोग आ रहे हैं उनको बकायदे थर्मो स्कैनिंग कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर देख रहे हैं और दूसरा उनके हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं। उसके बाद ही वो एंटर कर रहे हैं, फिर उनकी समस्याएँ सुनी जाएंगी। ये है एक तरह का कोरोना वायरस से बचने के तरीके, जो हम मैसेज भी पब्लिक में देना चाहते हैं और खुद भी अपने ऑफिस में करवा रहे हैं।